हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार ने 1.77 लाख करोड़ एनपीए वाले उद्योगपतियों को रियायत देने के लिए बनाई समिति, आरबीआई ने शामिल होने से किया इनकार। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए ने देश के बैंकों के लिए अभिशाप बन गया। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अपने करीबी उद्योगपतियों को बचाने में लगी हुई है। एनपीए बैंकों का वो लोन होता है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं होती। इस कर्ज में 73% ज्यादा हिस्सा उद्योगपतियों का है। अक्सर उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर खुद को दिवालिया दिखा देते हैं, उनका लोन एनपीए में बदल जाता है। यही उस लोन के साथ होता है जिसे बिना चुकाए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई समिति का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, जिसे ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के लिए बनाया गया ताकि समिति उनके लिए एनपीए का पैसा चुकाने का आसान रास्ता निकाल सके, कंपनियों को इस मामले में रियायत दी जा सके। आरबीआई ने समिति में शामिल होने से ही इनकार कर दिया और अपने कारण बताए। केंद्रीय बैंक पहले भी कह चुका है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो इस मामले में किसी भी तरह की रियायत देना नहीं चाहता। मार्च 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उद्योगपतियों को रियायत देने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उस सर्कुलर को वापस ले ले जिसके कारण ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को बैंकों से लिया लाखों करोड़ का कर्ज चुकाना पड़ सकता है। इन कंपनियों पर 1.77 लाख करोड़ का कर्ज है। दरअसल आरबीआई ने 12 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया था, उसके मुताबिक जिन उद्योगपतियों का बैंक लोन से एनपीए बदल चुका है उन्हें 1 मार्च 2018 से 30 सितंबर तक का समय लोन चुकाने के लिए दिया गया था। अगर वो समय सीमा से अपना लोन नहीं चुकाते तो 1 अक्टूबर पर उन पर कार्रवाई हो जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। मोदी सरकार जो नोटबंदी करिए कहती है कि उसे देश के हित में लिया करण अपनाना ही सही लगा, उसे इस करण का नतीजा अब ज्यादा आम जनता से भुगतना पड़ा। लेकिन जब अब आज बात उद्योगपतियों की है तो उसे आरबीआई की ये कार्रवाई कड़ी लग रही है। केंद्र सरकार उद्योगपतियों पर इतनी दया तब दिखा रही है जब इनके एनपीए के कारण बैंकों का घाटा बढ़ता ही जा रहा है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामूहिक शुद्ध घाटा 2017-18 में बढ़कर 87,357 करोड़ रुपए हो गया। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।